मुझे 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। वहाँ जब मेरा पोलियो हुआ था तो मेरे गार्जियंस जितने भी थे सब लोगों ने बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई उस तरह वैसे वैसे मेरा पोलियो और बढ़ता गया था। जब मैं 18 साल की थी तब तो मेरे गार्जियंस ने मुझे विशाखापट्टनम में मेरा इलाज कराया था। वहाँ पर जहाँ इलाज मेरे दोनों पैरों का हुआ था वहाँ पर फिर मैं ठीक हो गई थी, मेरे दोनों पैर से चलने लगी थी। फिर मुझे थोड़ा सा लगता था कि प्रॉब्लम और मेरे पंजे में बढ़ रही है तो फिर मैं नारायण सेवा में गई थी। वहाँ पर दिखाया चूँकि डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं ठीक हो जाएगा, मतलब श्योर है ठीक हो जाएगा, तभी मैंने कराया था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद मेरा चलना एकदम खत्म हो गया था। मैं स्टिक के लंबी दूरी चलने के लिए मैं स्टिक का प्रयोग करने लगी थी। घर के तो काम कर लेती थी लेकिन जब भी बाहर निकलना होता मार्केटिंग करना होता मुझे स्टिक का सहारा लेना पड़ता था। मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने ये क्या करा लिया। फिर मैं मेरी जॉब भी लग गई थी उस समय तो फिर मैं नेट पर सर्च किया कि बेस्ट पोलियो का इलाज कहाँ पर होता है, जिसमें मुझे डॉक्टर सुरेश भोला का हॉस्पिटल का दिखा था। तो मैंने वहाँ पर वीडियो 2-4 देखे, फिर मैंने वहाँ पर कॉन्टेक्ट भी किया था, डॉक्टर साहब से मेरी बात भी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार दिखा लो तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर मैं टाइम लेकर आई 2 दिन के लिए और मैं वहाँ पर दिखाई। डॉक्टर साहब ने मुझे पर्सनली चेक किया, एक्सरे वगैरह मेरे कराए, मसल्स देखे, उसके बाद मुझे बताया कि आपको आगे चलकर इससे क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मैं कुछ होता है मैं चल के आके बताती हूँ, मुझे कराना तो है। फिर मैं 30 मार्च को आई और मेरा वहाँ पे ऑपरेशन डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन मुझे जब खड़ा किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा महसूस हुआ, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं दोनों पैरों पर खड़ी हो रही, मतलब पूरा वेट जाने लगा था। स्टेबिलिटी मेरी खड़े होने की जो पहले कम थी वो बढ़ गई। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं थोड़ा सा और अच्छा कर सकूँ। सर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते? सबसे पहले तो वेदी मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमारा हौसला चुना कि हम आपका कुछ कर सकें, हमें एक मौका दिया। आप जैसे इतने लर्नर आदमी जो कि वकील भी हैं, पीएचडी भी हैं, इतने लर्नर आदमी का इंसान का हमारे हॉस्पिटल में इतना विश्वास होना हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। तो मैं बहुत रादर आभारी हूँ आपका। नहीं सर आभारी की बात है, हमें आपका आभारी होना चाहिए कि आपने हमारा इलाज किया कि हम लाइफ में और ज़्यादा चलेंगे। मैं बहुत खुश भी हूँ कि अब आप कुछ ही दिनों में जा ही रहे हैं, यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। तो सब ना हाँ, परमात्मा का लाख लाख शुक्र है। ये आप जब ऑपरेशन से पहले हमारे पास आए थे उस समय आपकी कितनी लोडिंग थी, जब खड़े होते थे स्टैंड पे कितनी लोडिंग थी? सर जब मैं ऑपरेशन से पहले मेरी लोडिंग सिर्फ 10% होती थी क्योंकि मेरे घुटने में बैंड शुरू हो गया था, मेरे पंजे भी चलने में सिकुड़ने लगे थे तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी खड़े होने में। ज़्यादातर मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं रहता थी। ठीक है, और अब क्या स्थिति? अब ऑपरेशन के बाद ज़्यादा अच्छी स्थिति है, मेरी 50% लोडिंग आ गई है पैर पे और मैं अब 1 घंटा क्या मतलब कहीं जितना खड़ा हो सकती हूँ मैं खड़ा रह पाती हूँ बिना दर्द। ऑपरेशन से मुझे बहुत अच्छा फायदा, 50% उधर और 50% इस पैर पे, 50% जिसका मतलब है 100% आपको 100% मेरा स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये तो खड़ा होने की बात है लेकिन चलने में आपको क्या फायदा हुआ? पहले चलते थे और अब ऑपरेशन के बाद चलती हूँ, दोनों में क्या फर्क है? सर पहले मैं चलती थी थोड़ा मैं झुक के चलती थी, हाथ तो नहीं लगाती थी लेकिन चलने में मेरा झुकाव बढ़ जाता था। अब लेकिन उतना लगता नहीं है कि अब तो लगता है कि मैं सीधा चल सकती हूँ। जब पहले चलते थे तो ये कितना लोड ले लेता था? सर पहले चलते थे तो ये 10-20% से ज़्यादा लोड नहीं लेता था, अब 50% लोड करीब करीब लेने लगा और 50 उधर और 50-50 लोड लेना। हाँ 50-50 लोड लेना। और मेरे जो ये बैंड था वो भी मेरा ठीक हो गया, जो बैंड्स थे वो भी ठीक हो गया, मेरा पोस्चर भी अब एकदम सीधा हो गया। पहले मैं खड़ी होती थी तो मेरा पीछे ही निकल जाता था लेकिन अब वो सही हो गया था। एक वो जो अचंभा भी हुआ है और एक्सपेरिमेंट भी हुआ है और परमात्मा की अपार कृपा भी हुई है, हमने आपको जब दाखिल किया था तो आपसे कहा था कि हफ्ता 2 या 3 के बाद आपके पैर का ऑपरेशन करेंगे हम, और उसी पैर के लिए ही आप मुझे याद है शुरू में हमारे पास दाखिल हुए। हाँ सर मैं उसी पैर के लिए और इसी पैर को आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इलाज किया। अब मैं 1 साल के बाद आऊँगी तो दूसरा भी कराऊंगी। नहीं मैं जो बात करना चाहता हूँ जो आप भी जानते हैं, आप पैर के लिए मेरे पास ऑपरेशन करवाने आई
और पैर का ही हमने ऑपरेशन करना था, लेकिन उससे पहले हमने आपको ऊपर से सही करा। लेकिन ऐसी कृपा हुई परमात्मा की, ऊपर का सही करने के साथ आपका जो पैर का हमने ऑपरेशन करना था वो रिजल्ट ऊपर का करने से ही मिल गए। हाँ सर, उसको नहीं करना पड़ा था। आपने हमें बताया था कि फुट का भी करना पड़ेगा, लेकिन फुट का ये खुले का और नी का ही करने से हमारा सही हो गया था, नीचे का नहीं करना पड़ा। तो सर ये अजीब सी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई कि पैर का ऑपरेशन भी बच गया। ऑपरेशन भी बच गया सर, मेरे पैसे भी बच गए, मेरे टाइम भी बच गया सर, बहुत कुछ बच गया मेरा। और बिना ऑपरेशन के ही जो आप चाहते थे वो ऊपर का करने से, ऊपर का करने से ही आपको इतना फायदा हो गया पैर का, ये बात सही है। हाँ सर, ये बात सही है कि ऊपर का ही करने से मेरा नीचे का नहीं करना पड़ा, मेरा पूरा लोडिंग लेने लगा। पैर में क्या दिक्कत थी और पैर में एग्जैक्ट क्या परेशानी थी आपको? सर पैर में मेरे चलते वक्त बीच में पंजे में गड्ढे हो जाते थे, चलते वक्त ऐसा सिकुड़न टाइप का हो जाता था। कैसे सर? ऐसे हो जाता था। तो मेरी ये चीजें पूरी जमीन पे नहीं पड़ती थी, लेकिन अब पूरी पड़ती है। अब पूरी पड़ती। और मुझे अभी भी याद है ये वाला जो यहाँ पे टेंडन था आपका ट्रांसफर हुआ वो अकड़ जाता था। हाँ। वो इतना अकड़ जाता था कि आपकी चाल जो थी उसे खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। हाँ। उसको बिना कुछ टच किए या नीचे का ऑपरेशन किए ऊपर से ही सेटल करने से ये भी ढीला हो गया। बहुत तकड़ा हुआ था, बहुत तकड़ा। मैं रोज कहती हूँ सर, मेरा नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, लेकिन नहीं, ये ढीला भी हो गया किया था तभी हो गया और ये बेहतर भी हो गया। ठीक है। और पैर पहले से थोड़ा सा मोटा भी हो गया? हाँ सर, पहले से पैर मोटा हो गया था। और अदरवाइज वाम या जान लगती है पैर की पहले से ज्यादा? हाँ सर, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा बढ़ गया, बेटर हो गया। ठीक है। और कितना ज्यादा दुखदायी था ये सारा का सारा, इतना आपने परेशानी सही, लेकिन खुशी ये थी कि हमारा पैर ठीक हो रहा है, इसलिए दुख का कभी सवाल ही नहीं उठता। मतलब दर्द नहीं पता चला ना, क्योंकि हमें लग रहा था हमारा ठीक हो रहा है, हम चल रहे हैं अच्छे से, तो उसमें दर्द नहीं पता चलता। आपको 3 महीने हो गए यहाँ? हाँ सर, 3 महीने रहे, लेकिन यहाँ पता नहीं चला है तो घर जैसा लगता, हॉस्पिटल जैसा लगता ही नहीं कुछ। यहाँ पर सारे स्टाफ है, भाई बहन जैसे लगते हैं, आप तो खुद हमारे फादर जैसे लगते हैं। आप तो कहते हैं हमेशा, कहते हैं बेटा ये बेटा वो, तो सर यहाँ पता ही नहीं चलता 3 महीना कब गुजर गया हमारा, अब तुम्हारे जाने का वक्त भी आ गया। हाँ बिल्कुल। और अगर आपको आज ये मौका दिया जाए तो क्या आप ऑपरेशन करवाते या ना? कोई ऐसा आपको रिपेंटेंस तो नहीं है कि आपने यहाँ क्यों ऑपरेशन करवाया? नहीं सर, ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर कराई थी। मैंने किसी, मुझे रोकने वाले बहुत थे कि मत कराइए पोलियो है। अच्छा, क्या कहते थे लोग? कहते थे कि पोलियो एक बार करा लेंगे डॉक्टरों के, हम जब मैं दिखाती थी हाँ तो वो मना करते थे कि पोलियो आप मत कराइए, इससे आपका खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, जब मैं आपको दिखाई तो आपने बोला कि नहीं, 0% की आपने गारंटी तो दी थी मुझे, लेकिन ये भी कहा था कि 95% आपका जा सकता है, आपको जितना इसमें गेन हो सर। तो मैंने रिस्क लिया, हमने अपने 0% पे करा लिया, मेरा ठीक हो गया। अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। ठीक है ये बात। और यहाँ रहते हुए कोई खास किसी तरह की परेशानी नहीं सर? यहाँ परेशानी लोगों को उनसे ही परेशानी हो जाती है, अभी बहुत चिल्लाते हैं सर, शोर मचाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने सारे एटमोसफियर को लाइव रखा, कोई मैसेज एक खुश नुमा बना के रखा, सारे लोग खुश रहे जो भी यहाँ आए, और उनको आपने अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी दी सभी को। और ये सब सारा पॉजिटिव एनर्जी था, सब स्टाफ के सहयोग से हुआ, अगर नहीं तो हम ही बोलते रहते, सब सुनते रहते तो हो ही नहीं सकता था ना, तो सबने सहयोग किया इसमें हमारा, 3 महीना अच्छा से बीत गया। कोई मैसेज जो होगा? आपको कैसा लगता है ये जो हॉस्पिटल है ये क्या गर्ल्स के लिए सेफ है? हाँ सर, यहाँ गर्ल्स के लिए सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे रात में आई चाहे कहीं भी किचन में भी जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारी आंटी जी रहती है, 11 बजे भी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं जाती, कोई किसी तरह की परेशानी या कोई परेशानी। आपके साथ और भी गर्ल्स हैं? हमारे साथ और भी गर्ल्स हैं, ज्योति है, ज्योति जी हैं, और हैं, कोई किसी तरह की नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, यहाँ बल्कि सेफ ज्यादा है। हमें लगता है अदर हॉस्पिटल की अपेक्षा यहाँ ज्यादा है, यहाँ केयर भी अच्छे से होता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो कोई तुरंत आ जाता है यहाँ करने के लिए, और आप तो 2-3 बार खुद ही आ जाते हैं। ठीक है। और ज्योति ने आपको तंग किया? ज्योति मुझे नहीं तंग करती, हम ही करते हैं सबको तंग। अच्छा। और पांडे साहब ने? पांडे साहब तो बहुत अच्छे हैं, पांडे साहब अच्छे हैं, हमारे ही शहर के हैं। क्या बात है। सतीश जी? सतीश भैया भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वेरी गुड।
और हमारे फिजियोथेरेपी भी सर लग ली है, वो भी अभी अभी नहीं मिल चुकी आई है ज़्यादा अच्छा। हमारा सुबह, लेकिन जितना भी कराती है बेस्ट कराती है। फिजियोथेरेपी डॉक्टर सुबह में वो भी बहुत अच्छा सुबह से कराते हैं, हम लोग को सुबह से पूरा टाइम अपने पर देते हैं। हम लोग जितना भी कहेंगे ये करा देना वो करा, बिल्कुल हंसते हुए करते हैं, कुछ के लिए मना भी नहीं करते हैं। तो जितना यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं सब बहुत अच्छे हैं, फिजियोथेरेपी में। और अब हमारे साथ आ रहे हैं श्री प्रशांत जी, प्रशांत जी भी आपके साथ रहे, इन्होंने परेशान आपसे किया रहे हैं। अच्छा, तो इनका नेचर क्योंकि बहुत कम बोलने वाला था, मैं सोचती थी मेरा दिन कैसे कटेगा, लेकिन क्योंकि हमारे साथ रहते रहते इनको भी बोलना आ गया है। तो प्रशांत जी पहले हाथ रख के चलते थे और आपके सामने आपने देखा कि हाँ इनका हाथ जो है हट गया है, इनका हाथ छूट गया है, बहुत खुशी होती है, इनको बहुत खुशी होती है, हम लोग आपस में अच्छे दोस्त भी है। वेरी गुड। और आप जब आए थे उससे पहले कई मरीजों से मिले होंगे? हाँ सर, कई मरीजों से मिले हैं, मैं तो सबको कहती भी थी भाई मेरा हो चुका, आप लोग भी आइए, आप लोग भी करा लीजिए। उससे पहले जो ठीक हो गए हैं उनसे भी कईयों से मिले? हाँ सर, उनसे भी मिले, उनकी भी अच्छी अच्छी अच्छा ही जा रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, फोन पे बात भी होती है, अच्छा बताते भी है। ठीक है। और कोई खास मैसेज कुछ देना चाहिए? हाँ सर, मैं खास मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी पोलियो पेशेंट है एक बार आप भोला हॉस्पिटल में जरूर आए और अपना चेकअप कराएं, भले ही कराना हो ना कराना हो, लेकिन एक बार चेकअप जरूर करा लीजिए। उनकी अपनी इच्छा होगी, अगर उनको लगेगा कि हम ठीक हो सकते हैं तो अपना जरूर कराएं। और मैं सारे स्टाफ को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि 3 महीने मैं रही हूँ यहाँ पर, मुझे बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा नहीं लगा, मुझे अपना घर जैसा लगा था, इसलिए मैं 3 महीने भी यहाँ बड़े हंसी खुशी गुजार हूँ। सबको थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।